नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। सलमान खान लॉन्च करेंगे खुद का टीवी चैनल, कपिल शर्मा शो को होगा शिफ्ट। कपिल के शो पर अक्षय ने किया जवानों से वादा, आपसे मिलने सियाचिन जरूर आऊंगा। अमित शाह 18 मार्च को लॉन्च करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक का दूसरा पोस्टर। अक्षय के बाद अब ऋतिक भी कर सकते हैं वेब सीरीज में काम, जल्द होगा ऐलान। तैमूर को खाना ना देने के लिए यूजर्स ने किया था करीना को ट्रोल, जवाब में बोली वो भूखा नहीं मर रहा। हॉलीवुड स्टार ने पूर्व पत्नी पर ठोका 357 करोड़ का केस और कहा मेरी उंगली तोड़ डाली थी उसने। यो हनी सिंह ने परिवार संग बनाया बर्थडे, काटा बेहद खास केक। ऋतिक रोशन परफ्यूम्स के हैं बेहद शौकीन, हर किरदार के लिए करते हैं खास सिलेक्शन। मनोज वाजपेयी को मिला पद्मश्री सम्मान, फिल्म फेयर में नॉमिनेशन न मिलने से थे नाराज। यूरी के बाद बड़े पर्दे पर फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, बंसाली बनाएंगे कुछ खास फिल्म। राजकुमार राव बोले हर युवा अभिनेता में सुपरस्टार बनने की क्षमता, क्रिसमस 2019 में होगा सुपरस्टार का घमासान, दबंग 3 से टकराएंगे ब्रह्मास्त्र। अक्षय कुमार ने बयां किया दर्द, आज भी अंग्रेज मनाते हैं सड़ागड़ी दिवस लेकिन देश ने भुला दिया। दीपिका के मोम के पुतले पर बोले रणवीर ओरिजिनल तो मेरे पास है। जावेद अख्तर ने दिया कंगना के बयान का जवाब, बोले आप कुछ भी कर ले लोग निंदा ही करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर बदला बनी 50 करोड़ी हिट हुई अमिताभ तापसी की जोड़ी, टूट गई विकी कौशल और हरलीन सेट्टी की जोड़ी, इंस्टा पर किया एक दूसरे को अनफॉलो। होली से पहले पवन सिंह मोनालिसा का भोजपुरी गाना हुआ वायरल, मलाइका अरबाज के बाद नचबलिए में होगी टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की एंट्री। तो ये थी बॉलीवुड दुनिया से आई बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।